तो कांग्रेस में आज माफ कीजिएगा प्रदेश में आज कांग्रेस आज महिला मैनिफेस्टो लॉन्च कर रही है, जारी कर रही है। आपको बता दें कि इसमें आज खुद प्रियंका गांधी कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि महिला मैनिफेस्टो में रोजगार, सुरक्षा और सम्मान के अहम मुद्दे भी शामिल है। वहीं इन मामलों पर फोकस करते हुए कांग्रेस महिलाओं को लगातार रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए और क्या कुछ होने वाला है, इस पर हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर जो बात कर रही है उसको लेकर घोषणा पत्र जारी करेगी। हमारे साथ समय वरिष्ठ नेता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, बड़ी आज महिलाओं के लिए आज एक बड़ा दिन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसने केवल बातें ही नहीं की हैं बल्कि अमल करके दिखाया है, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन कर चुकी हो। तो अगर कुछ करके दिखाया है या दिखाना जा रही है या आज भी दिखा रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी। लगातार 40% आरक्षण की बात की गई है जो तक आज तक किसी ने नहीं किया, स्कूटी की बात देने की हो रही है, और भी क्या वायदे हो सकते हैं इस घोषणा पत्र में? स्कूटी आपके सामने है, 40% रिजर्वेशन जो है किसी ने देना तो दूर रहा, आधी आबादी जिसकी है उसको 40% भी नहीं दे रहे हैं। अगर किसी ने सोचा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने सोचा है, और आगे क्या होना है वो आज प्रेस है, वो उनके प्रियंका जी के बुखार बिंदु से ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस सरकार की बात करें तो लगातार महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे उन्नाव कांड हो, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा घिरने का, जिस तरह सरकार ने महिलाओं को बातें तो बहुत की लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर पाई। देखिए साहब, जैसी करनी वैसी भरनी, हम जैसा करेंगे, और वो कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। तो जब बबूल का पेड़ बो रहे हो तो बबूल के कांटे ही होंगे ना, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों। अब आप उम्मीद कर रहे हो कि साहब बबूल के पेड़ में आम उग जाए, आम का फल आ जाए, ये कैसे संभव है? तो बबूल बो रहे हो, कांटे बो रहे हो, तो कांटे ही मिलेंगे। बर्बाद कर दिया प्रदेश को, देश को आपने, किसानों को बर्बाद कर दिया, युवाओं को बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, प्रदेश और देश को किसी लाख छोड़ा ही नहीं। आज बांग्लादेश, जिसको स्वर्गीय इंदिरा जी ने बनाया था, बांग्लादेश 8% GDP पहुंच गई उसकी, हम -23 पे चल रहे हैं। और जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, दिन प्रतिदिन हम नुकसान में गए हैं, देश और प्रदेश नुकसान में गया है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यही हाल रहे तो फिर हम वहां पहुंच जाएंगे जो आदिकाल में हुआ करता था। निश्चित तौर पर ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिनका साफ साफ कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो हम आदिकाल में पहुँच जाएंगे। कैमरामैन शुभम के साथ में राहुल श्रीवास्तव, GMD न्यूज़ लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMDNewsFlash।